ये सीन्स है कंटेजियन मूवी के, जो 2011 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है और करीब 2.5 करोड़ लोग उस वायरस से मर जाते हैं। वो मूवी दिखाती है कि कैसे साइंटिस्ट उलझे हुए होते हैं एक वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए, और 133 डेज बाद वो एक वैक्सीन को प्रोड्यूस कर पाते हैं। पर मूवी के बाहर COVID-19 के केस में 133 डेज बाद भी हमें कोई वैक्सीन नहीं मिली है। मॉडर्न हिस्ट्री में शायद पहली बार इतनी डेस्परेट सर्च हुई है एक वैक्सीन के लिए। आज की तारीख में 100 से ज्यादा वैक्सीन को एक्सप्लोर किया जा रहा है, इसके बावजूद कि कई गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट और फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस वैक्सीन की सर्च में लगे हुए हैं। एस्टिमेट्स के हिसाब से इस वैक्सीन को डेवलप होने में 12 से 18 महीने का टाइम लगेगा। पर एक वैक्सीन की डेवलपमेंट में इतना टाइम क्यों लगता है, और इंडिया की पोजीशन क्या है इस वैक्सीन रिसर्च के प्रोजेक्ट में, इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वैक्सीन को यूजली 10 से 15 साल लगते हैं डेवलप होने में, और वो भी तभी होता है जब प्रोजेक्ट सही दिशा में जा रहा होता है। HIV के क्योर के लिए साइंटिस्ट 40 साल से लगे हुए हैं, और HIV की वैक्सीन 2030 में ही एक्सपेक्टेड है, यानी कि इन्फेक्शन के डेवलपमेंट के 50 साल बाद। फास्टेस्ट एवर वैक्सीन 5 साल में डेवलप हुई थी। ये समझिए कि एक वैक्सीन को इतना टाइम क्यों लगता है डेवलप होने में, हमें सारे स्टेप्स को समझना होगा जो एक वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं। आज की तारीख के हिसाब से 113 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें 113 वैक्सीन मिल जाएंगी, क्योंकि इनमें से कई वैक्सीन कैंडिडेट्स सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसको समझने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि एक वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक कॉम्पिटिशन की तरह होता है, जहाँ 113 कैंडिडेट्स ने भाग तो लिया है, पर उनको कई टेस्ट फेस करने होंगे। वैक्सीन डेवलपमेंट की पहली स्टेज होती है रिसर्च स्टेज, जिस स्टेज में साइंटिस्ट को अप्रूवल्स और फंडिंग सिक्योर करनी पड़ती है। यूजुअली इस फेज में करीब 2 साल का टाइम लगता है, पर ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है। चाइना में साइंटिस्ट ने COVID-19 के वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को 12 जनवरी को ही पब्लिश कर दिया था, पेशेंट से आइसोलेट करने के एक हफ्ते के अंदर ही। लेट जनवरी तक कई लोग फिर इस जेनेटिक सीक्वेंस को यूज करके इसके डेटा पर काम करने लग गए थे। साइंटिस्ट को मदद पिछली रिसर्च से भी मिली थी, जो उन्होंने करी थी SARS और MERS के आउटब्रेक के दौरान, क्योंकि वो वायरस जो SARS डिजीज के पीछे है, वो और COVID-19 80% आइडेंटिकल है, और इसी वजह से कई वैक्सीन कैंडिडेट्स अपनी रिसर्च स्टेज 2 साल के अंदर नहीं बल्कि कुछ ही महीनों में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है ट्रायल स्टेज की, जिनमें 3 फेजेस होते हैं और जिनको कंप्लीट करने में लगभग 4 साल का टाइम लगता है, पर COVID-19 के केस में उनको कुछ महीने में ही करना होगा। पहली फेज में साइंटिस्ट वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को एनिमल टेस्ट के जरिए जांचते हैं और फिर स्मॉल स्केल ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। सेकेंड फेज में फिर साइंटिस्ट वैक्सीन को कई और लोगों पर टेस्ट करते हैं और ये जांचने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी बॉडीज एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है या नहीं। और फिर आखिरी स्टेज में साइंटिस्ट बड़ी कम्युनिटीज में इम्यूनिटी की टेस्ट करते हैं, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। तो जैसे COVID-19 के केस में करीब 20,000 से 30,000 लोग शामिल होंगे उनके रिसर्च ट्रायल्स में, जहां साइंटिस्ट लोगों को 2 ग्रुप में बांट देंगे। एक ग्रुप को वैक्सीन मिलेगी और दूसरे ग्रुप को वैक्सीन नहीं दी जाएगी, और फिर कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट ये देखेंगे कि क्या इन दोनों ग्रुप्स में इन्फेक्शन रेट सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो उसका ये मतलब है कि वैक्सीन अपना असर कर रही है। एक अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि उनके फेज 1 ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं, जहां उन्होंने 8 ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करी थी। वो अब फेज 2 ट्रायल्स की तरफ जा रहे हैं। बेस्ट केस सिनेरियो कि सितंबर 2020 तक हमें एक वैक्सीन शायद मिल जाएगी COVID-19 के अगेंस्ट, पर कुछ और लोगों ने कहा है कि ऐसा शायद 2021 या फिर 2022 तक भी नहीं हो पाएगा, अनलेस हम लकी हो जाते हैं। 2 टेस्ट पास करने के बाद हमें एक ऐसी वैक्सीन मिल जाएगी जो COVID-19 के अगेंस्ट इफेक्टिव है। फिर हमें इसको मैन्युफैक्चर करना होगा, और ऐसी लेवल पर मैन्युफैक्चर करना होगा जो हमने हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं किया। इसी वजह से ये बहुत चैलेंजिंग होगा। जब कंपनीज एक वैक्सीन की फैक्ट्री बनाती है तो उन फैक्ट्रीज में हर चीज़ स्पेशलाइज होती है, और इसी वजह से हम किसी और वैक्सीन की फैक्ट्री यूज नहीं कर पाएंगे COVID-19 को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और ऐसी फैक्ट्रीज को बनाने में करीब 5 साल लग सकते हैं। पर कई लोग जैसे बिल गेट्स इस टाइम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कहा है कि वो अभी से ही 7 डिफरेंट वैक्सीन के लिए फैक्ट्रीज को बिल्ड कर रहे हैं। Of all the vaccine constructs, the 7 most promising of those, even though we'll end up picking at most 2 of them, we're going to fund factories for all 7. जिसका ये मतलब है कि अगर उन 7ों में से एक भी वैक्सीन अपने सारे रिसर्च और ट्रायल फेज में सक्सेसफुल रही, तो कम से कम उनके लिए एक फैक्ट्री तो अवेलेबल होगी
इमिजिएटली मैन्युफैक्चर करने के लिए। लेकिन अगर फैक्ट्रीज एक बार स्टार्ट भी हो गई तो हमें ऐसी संख्या में इस वैक्सीन को प्रोड्यूस करना है जो हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा, और ये इतना आसान नहीं होगा। अब आप ये बोल सकते हो कि हम करोड़ों चॉकलेट्स, टीवीज या फिर कैमरास तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो वैक्सीन में इतनी क्या मुश्किल है? वो इसलिए है क्योंकि वैक्सीन में बहुत स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए होता है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी जब हमें वैक्सीन प्रोड्यूस करनी होगी। जैसे वैक्सीन एक वायल में स्टोर होती है जो कोई साधारण ग्लास से नहीं बनते, बल्कि एक स्पेशलाइज ग्लास से बनते हैं ताकि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में और वर्ल्ड के अराउंड ट्रांसपोर्ट होने के दौरान वो डैमेज ना हो। पर करंटली हमारे पास इतने वायल्स ही नहीं है करोड़ों वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए। मैन्युफैक्चर करने के बाद हमें इन वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा, इसके लिए हमें ट्रक्स की ही जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बल्कि सिरिंजेस, कॉटन और बैंडेड की भी जरूरत पड़ेगी। पर उसके पहले हमारी सरकार को एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के बारे में सोचना होगा। मान लीजिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 10 लाख वैक्सीन की डोसेज आ जाती है, पर किन 10 लाख लोगों को ये वैक्सीन मिलेगी? बुजुर्ग लोगों को, अमीर लोगों को, हेल्थ वर्कर्स को, या फिर उन लोगों को जिनके पास ज्यादा कॉन्टैक्ट होता है दूसरे लोगों के साथ, जैसे डिलीवरी मैन? कंटेजियन मूवी में एक लॉटरी के जरिए लोगों के बर्थडे के हिसाब से उनको वैक्सीन दी जा रही थी। ये प्रश्न और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर ये वैक्सीन इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती है। क्या उस स्टेट में जहाँ ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जाती है उनको पहले एक्सेस मिलेगी, या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोसेस को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेगी? एक येल की प्रोफेसर के हिसाब से अगर हम नॉर्मल तरीके से वैक्सीन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो हम 18 महीने में ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई कंपनीज इनोवेशन की बाउंड्रीज को पुश कर रही है। इसे वैक्सार्ट, एक ओरली एडमिनिस्ट्रेड वैक्सीन को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। एक दूसरी जर्मन कंपनी एक लो डोसेज वैक्सीन को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है जिसको बहुत आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। पर हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सेफ्टी और स्पीड के बीच कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा, और दोनों तरफ से शिकार ह्यूमन लाइव्स ही होंगी। ट्रेडिशनल वैक्सीन में एक कमजोर वायरस इंक्लूडेड होता है। 1950s में एक पोलियो की वैक्सीन डेवलप हुई थी जिसको कुछ ही घंटे में अप्रूव कर दिया गया था, पर उस वैक्सीन में जो वायरस था वो इतना वीक नहीं था, और उन पेशेंट्स को जिनको ये वैक्सीन दी गई थी उनको एक्चुअली पोलियो हो गया था इस वैक्सीन से, जिसकी वजह से करीब 11 बच्चों की मौत हो गई थी। 2015 में एक फ्रेंच ड्रग कंपनी सनोफी ने एक डेंगू की वैक्सीन इंट्रोड्यूस करी थी। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ढंग से टेस्ट नहीं की गई है, और फिलीपींस में ये पाया गया कि इस वैक्सीन की वजह से बच्चों में डेंगू की हालत और बिगड़ गई थी। इस वैक्सीन की अर्जेंसी की वजह से कई कंपनीज अब एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रही हैं ऐसी चीजों में जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे अभी कई कंपनीज एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रही हैं कि अगर उनका कैंडिडेट फेल हो जाता है ताकि उनको रिसर्च रिपीट ना करनी पड़े। हम ऐसी कोऑर्डिनेशन कंपनीज के बीच तो देख रहे हैं, पर गवर्नमेंट्स के बीच ऐसा नहीं देखा जा रहा है। कई लोग ये मानते हैं कि रिच कंट्रीज जैसे यूएस और यूरोपियन कंट्रीज को वैक्सीन पहले ही मिल जाएंगी। ऐसा ही हमने देखा था पीपीई के लिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा था और इसीलिए उनको एक्सेस पहले मिल गई थी। यूरोपियन कंट्रीज ने WHO के साथ ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश करी है, पर कई देश जैसे US, चाइना, रशिया और इंडिया ने इस बात को नकार दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो धमकी भी दी थी WHO को उनकी फंडिंग रोकने के लिए, और US और चाइना तो मानो एक रेस में है इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये उनकी प्रेस्टीज के बारे में हो गया है अब। ऐसा ही हमने देखा था कोल्ड वॉर के दौरान, जब US और सोवियत यूनियन एक स्पेस रेस में शामिल थे ये देखने के लिए कि कौन सा देश सबसे पहले एक एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजेगा। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि अगर चाइना ने ये वैक्सीन डेवलप करी तो वो इसको पूरी दुनिया में अवेलेबल कर देंगे। ये एक तरीका हो सकता है चाइना की इंटरनेशनल रेपुटेशन रिकवर करने के लिए, पर अगर ऐसा होगा या नहीं ये हमें बाद में ही पता चलेगा। पिछले महीने जर्मनी ने US को अक्यूज किया कि उन्होंने उनके मास्क बैंकॉक में कॉन्फिस्केट कर लिए और फिर US में डाइवर्ट कर लिए, और इसको उन्होंने मॉडर्न पायरेसी बुलाया। US ने चाइना को अक्यूज किया और ये कहा कि चाइना साइबर अटैक्स के जरिए उनके वैक्सीन डेटा को चोरी करने की कोशिश कर रहा है, जब एक फ्रेंच कंपनी के CEO ने ये कहा कि US को फर्स्ट एक्सेस मिलेगी उनके ड्रग्स पे क्योंकि अमेरिका ने उनकी रिसर्च को फंड किया है, तो फ्रांस के कई लोग इस बात से नाराज हो गए और फिर CEO को अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ी। 2009 में जब H1N1 इन्फ्लुएंजा को एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया था तो US और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज ने प्री परचेज अग्रीमेंट साइन करे थे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जिसके तहत उनको पहले एक्सेस मिलती इन वैक्सीन की। पर COVID-19 के केस में जब डिजीज का स्केल बहुत ही बड़ा है तब क्या होगा? अब मान लीजिए कि US ने फंडिंग दी एक फ्रेंच ड्रग कंपनी को वैक्सीन डिवेलपमेंट के लिए, जिसकी वैक्सीन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है,
तो किस कंट्री को फर्स्ट एक्सेस मिलेगी, और ऐसी क्वेश्चंस के बारे में हमारी गवर्नमेंट्स को सोचना होगा। फॉर्चुनेटली वैक्सीन के मामले में इंडिया एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। दुनिया की 60-70% वैक्सीन इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है। सीरम इंस्टीट्यूट जो एक इंडियन कंपनी है, वो दुनिया की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। उन्होंने 4 वैक्सीन डेवलपर्स के साथ अग्रीमेंट साइन किया है उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। और सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये कहा है कि ये वैक्सीन हमारे देशवासियों को पहले मिलेंगी। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने US के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी है इस कोरोना वायरस पीरियड के दौरान। जहाँ इंडिया US को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मेडिसिन दे रहा है, US इंडिया को वेंटिलेटर्स दे रहा है। अब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है, पर इसके बावजूद ऐसे रिलेशनशिप बहुत काम आ सकते हैं इंडिया के लिए अगर US ने वैक्सीन पहले डेवलप करी। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए वैक्सीन एक अकेला तरीका नहीं है। ऐसे हमें HIV की हिस्ट्री ने बताया है कि एंटीवायरल ड्रग्स डेथ रेट्स और ट्रांसमिशन रेट्स को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, पर हमारे वर्ल्ड को एक नॉर्मल टाइम में जाने के लिए वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा हमें ये भी नहीं पता कि COVID-19 से जो इम्यूनिटी मिलेगी हमारी बॉडीज़ को, क्या वो ज़िंदगी भर होगी जैसे स्मॉल पॉक्स के साथ होता है, या फिर 1-2 साल की तरह ही होगी जैसे दूसरे कोरोना वायरसेस की तरह होता है। इसलिए इस डिज़ीज़ का सामना करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है लक और दूसरा है कोऑपरेशन। पहला हमारे हाथ में नहीं है, पर दूसरा हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंटेजियन मूवी में एक वैक्सीन के डेवलप होने के पहले करीब 2.5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। ताकि ऐसा रियल लाइफ में ना हो, हमारी गवर्नमेंट्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा। पिछले 2 साल के दौरान आप में से कई लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। आपका सपोर्ट और फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चैनल की जर्नी के लिए फ्यूचर में। अब ये चैनल पेट्रियन में भी है, तो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ कंसिडर करें एक पेट्रियन मेंबर बनने का। थैंक यू सो मच।